हाँ भाई करें शुरू। तो गाइस फिलहाल मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ बेस्ट जो ब्रांड की तरफ से आपको जो फैन देखने मिलते हैं ना उनकी। एंड यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आप हमारे लिए कोई बेस्ट यहाँ पर फ़ैन बताओ हमारे रूम के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे रूम के लिए भी यहाँ पर काफ़ी बेटर चॉइस हो और हमें भी यहाँ पर उससे कोई बेनिफिट हो लेने के बाद। तो मैं आपको वही सजेशन करने वाला हूँ आपको। मैं यहाँ पर अभी से बता देता हूँ कि मेरी लिस्ट में आपको यहाँ पर 3 फ़ैन देखने को मिलेंगे ना, यानी टोटल मैंने यहाँ पर आपको टॉप 5 फ़ैन ऐड किए हैं जो स्मार्ट फ़ैन ऐड किए हैं मेरी लिस्ट में। एंड यहाँ पर आपको जो टॉप 3 यानी 2 के बाद आपको टॉप 3 जो स्मार्ट फ़ैन देखने मिलेंगे ना वो कंप्लीट डिज़ाइन न्यू जनरेशन एंड न्यू फीचर से लैस देखने मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 2 के बाद देखने मिलेंगे। एंड जो 2 फ़ैन बताऊँगा वो आपको यहाँ पर थोड़े कम प्राइस में देखने मिलेंगे, यानी जिनका प्राइस ज़्यादा नहीं, वो एक बेस्ट अपने लिए जो फ़ैन बाय करना चाहते हैं वो। एंड यहाँ पर वहाँ पर वारंटी भी अच्छी खासी देखने मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको मैंने ऐसी ऐड कर दी है वो अपनी लिस्ट में, तो वहाँ पर आपको वारंटी भी अच्छी खासी देखने मिलेगी इन 2 फ़ैन में ही। एंड वहाँ पर जो 3 फ़ैन हो गए वो तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको देखने मिलेंगे। तो चले गए अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमारी लिस्ट में जो 2 फ़ैन हो गए ना जो नॉर्मल बजट वाले, उनमें 1 पर आता है क्रॉपटन की तरफ से, यस क्रॉपटन न्यू ओरा डिज़ाइन 3D एंटी डस्ट क्लीन फैन विथ ड्यूरो टेक टेक्नोलॉजी के साथ, या आपको यहाँ पर ड्यूरो टेक्नोलॉजी के साथ देखने मिलता है। एंड गाइस यहाँ पर ये 2 कलर ऑप्शन भी देखने मिलता है, जहाँ पर आपको लोटस एंड यहाँ पर वाइट यानी आपको ये डिज़ाइन देखने मिलेगा। एंड यहाँ पर बिरकेन, मुझे तो गाइस यहाँ पर बिरकेन ही सबसे अच्छा यहाँ पर जो फैन का जो डिज़ाइन है वो लगा। चलिए गाइस अब इस फैन के बारे में कुछ आपको यहाँ पर फीचर्स के बारे में बताऊँ। तो गाइस यहाँ पर आपको हाई एंड्यूरेंस बॉक्स कंप्रेसिटर देखने मिल जाता है, उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको ड्यूअल कोट कॉपर का सपोर्ट देखने मिलता है, उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको 2 पीस जो कंट्रक्शन देखने मिल जाते हैं, आपको हाई ग्रेड जो इलेक्ट्रिकल मोटर क्वालिटी बैरिंग का यूज़ हुआ है यहाँ पर। गाइस इस जो फैन है यहाँ पर आपको इसकी मोटर की वायरिंग में दोहरी जो 2 बार आपको यहाँ पर कॉपर की वायरिंग की गई है। उस फैन में ज़्यादा टेम्परेचर यानी आपने नाइट में ज़्यादा इसे चला कर रखते हो अपने फ़ैन को, यानी सारी रात इसे बंद नहीं करते हो, सारी रात ऑन रहता है उन सिचुएशन में, यानी गर्मियों में वैसे ही गर्मी होती है और आपके जो फ़ैन है उसके ज़्यादा यानी अंदर से शॉर्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं अपने फ़ैन के, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको बेटर चॉइस हो सकती है। अचानक हाई लोड इस पर आ जाए एंड यहाँ पर आपको बेहतर इंसुलेशन एंड यहाँ पर इसमें जो घर्षण होता है ना, घर्षण की परिभाषा आपने पढ़ी होगी 10th 12th में, उसका यहाँ पर आप कोई मतलब नहीं है, घर्षण सीधा है यहाँ पर इसके चलने की कैपेसिटी से है, यानी वो आपको यहाँ पर काफ़ी कम देखने मिलता है। एंड गाइस जिसके बेसिस पर ही आपको यहाँ पर 5 ईयर की वारंटी देखने मिल जाती है, आप शॉक हो जाओगे यार इतनी वारंटी इस टाइम फिलहाल कौन दे रहा है मार्केट में, ये आपको 5 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करता है। 5 ईयर तक मजे करो अपने फैन से, यानी जलता है तो दूसरा रिप्लेस करवा लो, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ 5 ईयर की वारंटी देखने मिलते हैं क्रॉपटन न्यू ओरा डिज़ाइनर 3 एंटी डस्ट क्लीनिंग फैन की तरफ से, नाम आपको मैंने ज़्यादा ही बड़ा बता दिया। यहाँ पर क्रॉपटन की तरफ से यहाँ पर एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर आपको 50% कम धूल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी काफ़ी सारे फैन होते हैं वो अपनी तरफ जो वाइट कलर वाले वो मुझे यहाँ पर पर्सनली वाइट कलर तो सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, यानी बैड लगता है फैन का ज़्यादा से ज़्यादा, या तो फ़ैन आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में लेना चाहिए या वुड कलर में लेना चाहिए, या ऐसे कलर हो गए जहाँ पर वाइट न हो, उनसे हट कर आपको यहाँ पर जो कलर ऑप्शन देखने चाहिए, बिकॉज वाइट में ज़्यादा आपको यहाँ पर जो समय से पहले यानी टाइम से पहले वो मेला दिखना है लगता है, फिर आप उसकी चाहे कितनी यहाँ पर जो सफाई कर लो। तो गाइस यहाँ पर आपको जो धूल एंड यहाँ पर ये फैन अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करता है, जो कि इसको स्वाइप करने में काफ़ी साफ़ हो जाते हैं, यानी जब घूमता है ना तो इसे हट जाते हैं वो धूल। तो उनकी एक अंगूठी हाई स्पीड मोटर 230 cm की आपको यहाँ पर हाई लेवल में एयर को डिलीवर करता है। प्राइस गाइस होने वाला है इसका क्रॉपटन की तरफ से 4,240 rupees इसका प्राइस होने वाला है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर नेक्स्ट जो फ़ैन आता है ना वो आता है हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर, बजाज की तरफ से फ़ैन, यस बजाज की तरफ से फ़ैन आता है।
एंड गाइस यहाँ पर आपको बजाज की तरफ से ये देखने लिए मिलता है, यानी बजाज ही इसका ब्रांड देखने लिए मिलता है। उसी साथ गाइस यहाँ पर इसका डिज़ाइन मोटर वाला नीचे से आपको यहाँ पर लोटस की तरफ देखने लिए मिलता है, यानी इस तरफ से आपको यहाँ पर नीचे का डिज़ाइन देखने लिए मिलता है। उसी साथ गाइस यहाँ पर चलिए मैं इसकी जो फैन में आपको यहाँ पर फुल बॉडी यानी एलुमिनियम की देखने मिलती है, इसकी फुल बॉडी आपको यहाँ पर एलुमिनियम जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वो होम बैक्टीरिया फ्री रखने का आपको फीचर देखने लिए मिलता है। इस फैन का आपको यहाँ पर चॉकलेटी ब्राउन कलर है ना, सबसे ज़्यादा सेल होता है, मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ये आपको यहाँ पर कोई नहीं बताने वाला है कि इसका आपको कौन सा कलर है परचेज करना चाहिए बजाज का इस फैन का। एंड गाइस वाइट वाला तो सबसे ज़्यादा आपको मैला मैला दिखता है। टू ईयर की आपको यहाँ पर वारंटी देखने लिए मिल जाती है बजाज की तरफ से। बॉक्स में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ मैन यूनिट एंड यहाँ पर 3 जो प्लेट्स यानी पंखुड़ियाँ देखने लिए मिलते हैं एंड स्क्रू वारंटी कार्ड एंड यहाँ पर मैनुअल कार्ड देखने लिए मिलते हैं। एंड गाइस यहाँ पर इसका जो प्राइसिंग होने वाला है ना 4200 रुपीज़ के अप्रोक्स इसका प्राइस होने वाला है अमेजोन पर। बेस्ट बाइंग लिंक आपको यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखने लिए मिल जाएगा। एंड गाइस हमारे लिस्ट के नंबर 3rd पर जो फैन आता है ना, वो आता है क्रॉप्टन यूरेनस 1200 mm सीलिंग फैन, जो कि आपको यहाँ पर क्रॉप्टन की तरफ से देखने लिए मिलता है। अगर आप भी जो कम्प्लीट डिज़ाइन किया हुआ अपने रूम के अकॉर्डिंग कोई फ़ैन की तलाश में हो और आपको एक बेस्ट अपने लिए फ़ैन चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मार्केट में फ़िलहाल। ज़रा पहले गाइस आप इसकी कुछ इमेजेस को देखिए एंड इमेजेस को देखकर आप सजेस्ट करिए कि आपको ये कैसा लगा। आप फर्स्ट इम्प्रेशन में आप यही लिखोगे कि वाह क्या इसका डिज़ाइन है। एंड गाइस यहाँ पर आपको मैं और बता दूँ कि ये आपको इंडोर के लिए यूज़ के लिए तो बनाई है एंड यहाँ पर इंडोर यानी इंडोर के लिए कंप्लीट डेकोर किया गया है यानी क्रॉप्टन की तरफ से। बॉक्स में आपको यहाँ पर एक्सेसरीज की बात करूँ तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर वारंटी कार्ड स्क्रू के साथ देखने लिए मिलेंगे एंड यहाँ पर सेट के लिए आपको यहाँ पर वो स्क्रू ड्राइवर देखने लिए मिलेंगे जिन्हें आप अपने रूम में अटैच करके इन्हें सेट कर सकते हो अपने जो फ़ैन को। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मोटर का सपोर्ट देखने मिलेगा। यस मोटर तो आपको बेसिकली चाहिए ही वरना उसके बिना फ़ैन यहाँ पर नहीं चलता है। मोटर का सपोर्ट देखने मिलेगा। उसके नीचे गाइस यहाँ पर आपको 4 जो पंखुड़ियाँ देखने मिलेंगी इसकी। एंड गाइस बॉक्स में आपको यहाँ पर जो लाइटिंग सेटअप पूरा का आपको यहाँ पर लाइटिंग सेटअप इसका नीचे का जो झूमर आता है ना वो आपको यहाँ पर इसके साथ देखने मिलेगा। यहाँ पर गाइस ब्लेड का साइज़ आपको यहाँ पर जो 12 mm यानी आपको 48 inches का एंड यहाँ पर 3 लैम्प शेड जो कि आपको यहाँ पर झूमर की तरह देखने लिए मिलेंगे ना, यानी फ़ैन के नीचे देखने लिए मिलेगी उनका आपको जो 3 जो लैंड सैम जो स्विप देखने लिए मिलेंगे 1200 mm की। उसके साथ गाइस अब चलिए इस क्रॉप्टन यूरेनस 1200 mm सीलिंग फ़ैन की प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस आपको यहाँ पर 7000 रुपीज़ के समथिंग आपको देखने लिए मिल जाएगा अमेजोन पर। ये फ़ैन आपके पड़ोसी हो गए ना उनको जलाने के लिए काफ़ी है, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे आपको डिज़ाइन यूज़ हुआ है तो आप डेफिनेटली इसका देख सकते हैं इसकी तरफ। तो चलिए गाइस अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर 2 पर आने वाली सीलिंग फ़ैन की। तो गाइस वो आता है ओरेंटा की तरफ से। यस ओरेंटा इलेक्ट्रिकल स्मार्ट फ़ैन, क्योंकि आपको यहाँ पर ओरेंटा के काफ़ी सारे जो फ़ैन है वो बेसिकली मैंने यूज़ भी कर रखे हैं एंड उनकी यूजेस के बेसिस पर ही मैं आपको एक बेटर आइडिया प्रोवाइड करने वाला हूँ आपके लिए कि वो आपके लिए किस टाइप से यहाँ पर बेनिफिट हो सकते हैं। तो गाइस यह आता है ओरेंटा इलेक्ट्रिकल स्मार्ट फ़ैन हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर। इसका डिज़ाइन गाइस आपको यहाँ पर पहले वाले मैंने फ़ैन बताया ना उसकी तरह ही देखने लिए मिलता है, सिमिलर ही मान लो, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस यानी माइनर से चेंजेस आपको यहाँ पर देखने लिए मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन देखने मिलेंगे यानी कॉपर और यहाँ पर दूसरा जो ब्राउन किया हुआ ना उसकी तरफ से देखने लिए मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पर भी आपको यहाँ पर अंडर लाइट यानी लैंप्स का सपोर्ट देखने लिए मिलता है। यानी गाइस आपको मैं ये दोनों फ़ैन बता रहा हूँ ना, मैंने लिस्ट में ये 3 फ़ैन ऐड किए ना, इनमें आपको यहाँ पर लैंप का सपोर्ट देखने मिलता है। अगर बाय द वे आप अपने जो रूम में यानी ऐसे बल्ब नहीं यानी नहीं लगाना चाहते, फिर आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पर जो एक बेस्ट जो LED लैंप फ़ैन में ही देखने लिए मिल जाए, यहाँ पर 3 लैंप का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। उसके साथ गाइस यहाँ पर जो रिवर्स ट्रिबल मोटर का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है, जहाँ पर गाइस इस फैन से गर्मियों में यानी कूल हवा यानी ठंडी हवा चाहिए होगी, बेसिकली आपको गर्मियों में गर्म हवा कहाँ से चाहिए होगी, तो यहाँ पर सर्दियों में गर्म हवा प्रोवाइड करने के लिए ये बेटर ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो प्रीमियर लुक के साथ आपको ये इलेक्ट्रो प्ले
टेड फिनिशिंग के साथ आपको देखने लिए मिलता है। एंड गाइस इस फैन की आपको 2 ईयर की वारंटी देखने लिए मिल जाती है। एंड गाइस यहाँ पर ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करूँ तो गाइस आपको यहाँ पर 220 से 240 वोल्टेज एंड यहाँ पर आपको पावर की बात करूँ तो गाइस आपको यहाँ पर पावर देखने मिल जाएगा 80 वाट। यस 80 वाट का आपको यहाँ पर पावर देखने मिल जाएगा। एंड गाइस इस फैन को बेटर जो स्पीड से चलाने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर बॉल बेयरिंग का यूज हुआ है, वो तो हर में ही होने वाला है इन फैन में। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या क्या देखने लिए मिलता है उस एक्सेसरी की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। तो गाइस आपको यहाँ पर बॉक्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने मिलेगी एक मोटर, जिसे आप इस फैन को यानी पंखुड़ियों को अटैच करके यानी आपको यहाँ पर इसकी टोटल जो पंखुड़ियाँ हैं वो देखने लिए मिलेगी। शायद आपको ब्लेड देखने लिए मिलेगी एंड यहाँ पर आपको फोरी देखने लिए मिलेगी, वारंटी कार्ड, मैनुअल कार्ड एंड यहाँ पर आपको लाइटिंग फिटिंग का सेटअप एंड यहाँ पर बल्ब इसमें ही देखने लिए मिलेंगे बॉक्स में ही, नहीं तो आपको यहाँ पर अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर चलिए इनकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो गाइस प्राइसिंग की बात करने से पहले ब्लेड एल्यूमिनियम एंड यहाँ पर उन पर जो नेचुरल तांबे एंड यहाँ पर पीतल की फिनिशिंग की गई है, जो इसको काफ़ी प्रीमियर और एकदम लग्जरी लुक प्रोवाइड करती है आपके रूम के साथ, आपके रूम को 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। चलिए गाइस अभी इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। तो गाइस 6,900 रुपीज़ इसका प्राइस होने वाला है। बेस्ट प्राइस बाइंग लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा, अच्छे खासे ऑफर के साथ आप डिस्क्रिप्शन में उन्हें बाय कर सकते हो। एंड गाइस चलिए अब यहाँ पर बिना कोई देरी के अब यहाँ पर नेक्स्ट यानी थर्ड जो फैन है उसकी बात लेते हैं। तो गाइस वो आता है उषा फोनटेना मेपल 1250 mm स्मार्ट फैन, जो कि आपको यहाँ पर उषा की तरफ से देखने मिलता है। एंड गाइस आपने इससे पहले उषा की जो फैन या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया हो ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताना उसकी क्वालिटी को लेकर, यानी उसकी क्वालिटी और उसके चलने की कैपेसिटी यानी कितने दिन तक वो आपके पास चला। एंड गाइस यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट जो डिज़ाइन देखने लिए मिलते हैं, यानी आपको 4 डिफरेंट यानी आप इसे लाइटिंग हटाने के बाद एक डिज़ाइन तो वो हो जाता है सिंपली, मान लो आप इसका नीचे का जो झूमर हटा दोगे ना तो उसका एक अलग डिज़ाइन तो वो बन जाता है आपको सिंपली। उसके साथ गाइस यहाँ पर आपको फोनटेना आपको ऑन एंड यहाँ पर मेपल, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, फोनटेना मेपल एंड यहाँ पर फोनटेना लोटस एंड यहाँ पर फोनटेना और किड, ये आपको यहाँ पर जो फोर कलर ऑप्शन देखने लिए मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मैं फोनटेना मेपल की बात करने वाला हूँ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो लटकने वाली जो झूमर हो गई ना, वो यहाँ पर लाइटिंग का कंप्लीट आपको सेटअप देखने लिए मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर जो 3 स्पीड पुल कार्ड कंट्रोल का यूज़ हुआ है इसमें, जो कि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो इसकी स्पीड को मैनेज करते हैं। 1 ईयर की यहाँ पर आपको वारंटी देखने मिल जाएगी। चलिए गाइस अब यहाँ पर बॉक्स एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं। तो गाइस बॉक्स एक्सेसरीज में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको मोटर देखने मिलेगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 ब्लेड देखने लिए मिलेंगे गाइस आपको यहाँ पर। एंड उसी की वजह से यहाँ पर मैंने इसे अपने लिस्ट के नंबर 3rd पर इसे ऐड किया है, बिकॉज गाइस यहाँ पर आपको 5 जो पंखुड़े हैं उसका सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है, और आप इसे इमेज में देख भी सकते हो कि ये किस तरह से यानी वर्क करता है, यानी नॉर्मल पंखे की तरह वर्क करता है बेसिकली। सिंपली मैं आपको बता दूं, जो 3 पंखुड़ियों वाले जो फैन रहते हैं ना उनकी तरह वर्क करता है, बट यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने मिल जाते हैं, जैसे कि स्पीड में और ज़्यादा हवा भी प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको 5 ब्लेड का सपोर्ट देखने लिए मिल रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड, मैनुअल कार्ड एंड यहाँ पर लाइटिंग सेटअप इसमें देखने मिल जाएगा, रोड का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, स्कूटर ड्राइवर सारे इसमें देखने लिए मिल जाएंगे बॉक्स में ही आपको। एंड गाइस यहाँ पर इसकी जो पंखुड़े हैं ना, जो 5 पंखुड़े हैं वो आपको यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं, एक फास्ट हवा प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक न्यू लुक इसको प्रोवाइड करने के लिए, यानी कुछ इसको डिफरेंट लुक प्रोवाइड करने के लिए अलग अदर फैन से। एंड गाइस यहाँ पर आपको पावर 70 वाट का देखने लिए मिलता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करूँ तो गाइस आपको यहाँ पर 230 का ऑपरेटिंग वोल्टेज देखने लिए मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर चलिए इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो गाइस प्राइसिंग के अंदर 8,500 रुपीज़ में आपको ये इजीली अमेज़ॉन पर देखने मिल जाएगा, इसका भी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने लिए मिल जाएगा, अच्छे खासे ऑफर के साथ आप उन्हें वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताना कि क्या आपको इन तीनों फैन क्रॉम्पटन, उषा और यहाँ पर ओरेंटा, इनमें कौन सा जो डिज़ाइन यानी न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग कौन सा जो फैन है वो आपको सबसे अब बेटर लगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताना। एंड किसका लुक आपको बेटर लगा मुझे तो गाइस यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन पहले खुद बताओ, फिर मैं आपको यहाँ पर सजेशन करूँगा मेरे वाइज की मुझे यहाँ पर कौन सा
जो इनमें से बेटर रहेगा। बिकॉज गाइस इनकी तीनों की डिज़ाइन है ना, एक बार तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि यार कौन सा लें कौन सा लें, बिकॉज वो उससे बढ़कर है, वो उससे बढ़कर है, यानी तीनों में आपको यहाँ पर ऐसे जो फीचर्स ऐड किए गए हैं इन जो न्यू जनरेशन के फैन के अकॉर्डिंग। एंड गाइस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें एंड लाइक जरूर से कर दें। बिकॉज गाइस मैं आपके लिए ऐसे होम में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट हो गए, जो एनी एक्सेसरीज हो गई, उन पर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अपनी और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गाइस ऑलवेज स्माइल।